नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ओजस्विनी नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं ने छात्रवृत्ति नहीं मिलने को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सागर के ओजस्वी नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं बुधवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है। इस ज्ञापन में छात्र छात्राओं का कहना है कि उन्हें ओबीसी वर्ष 2019 और 20 की छात्रवृत्ति आज दिनांक तक नहीं मिली है, एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्रवृत्ति लगभग 6 माह पहले आ चुकी है। इसी कारण सत्र 2020-21 के पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति के आवेदन भी नहीं भरे जा रहे। संस्था में पूछने पर बताया गया कि विभाग द्वारा नर्सिंग की फीस लाख नहीं होने के कारण छात्रवृत्ति नहीं आ रही। फरवरी माह में छात्र छात्राओं की मुख्य परीक्षा शुरू होने वाली है, जिसके कारण संस्था द्वारा छात्र छात्राओं से फीस मांगी जा रही है और इसके चलते सभी पिछड़ा वर्ग छात्र छात्राएं फीस भरने में असमर्थ हैं। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि छात्र छात्राओं के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें छात्रवृत्ति दिलाई जाए। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। सागर जिले के जो नर्सिंग छात्र हैं, अभी वर्तमान में ये ओजस्विनी कॉलेज के नर्सिंग छात्र आए हुए हैं पिछड़ा वर्ग के। इनकी समस्या ये है कि शासन द्वारा इनकी छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की गई है। कुछ समय पहले मध्य प्रदेश सरकार ने यह आदेश निकाला था कि बजट की कमी की वजह से हम छात्रवृत्ति पे रोक लगाते हैं। अगर यह स्थिति है कि जब बजट की वजह से ये छात्रवृत्ति रोकते हैं, तो ये मुख्यमंत्री महोदय अपना स्वयं के लिए प्लेन लेते हैं। और वर्तमान आज ही के न्यूज़ में आया हुआ है कि उज्जैन में जिन्होंने अतिक्रमण किया था, उनके मकानों को हटाकर उनको मुआवजा दिया जा रहा है। तो अगर बजट है नहीं है इनके पास, तो ये सुविधाएँ जो अनैतिक हैं इनको पूरा कर रहे हैं। और ये जो छात्र हैं, जो गरीब छात्र हैं, छात्रवृत्ति के आधार पर अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनकी अधिकार का हनन कर रहे हैं, उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान नहीं कर रहे हैं। आज तो हम लोगों ने शांति रूप में यहाँ पे आकर छात्रों के साथ मिलकर ज्ञापन दिया है। अगर इन मांगों का जल्द से जल्द पूरा नहीं किया जाता है, 7 दिन का समय दिया है, तो उग्र प्रदर्शन के लिए समस्त छात्र संघ एवं विद्यार्थी नर्सिंग छात्र और जो अन्य कॉलेज हैं उनके जो पिछड़ा वर्ग के छात्र हैं, उनके साथ मिलकर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन ठाकुर है, मैं भारतीय विद्यार्थी सेना जिला प्रमुख हूँ। अब अगर इनकी छात्रवृत्ति नहीं आएगी तो कॉलेज प्रशासन इन पर दबाव बना रहा है फीस भरने। छात्रवृत्ति के अभाव में ये छात्र फीस भरने के लिए आ सकता है, और छात्रों के अधिकार के तहत इन बच्चों का जो एडमिशन हुआ था वो छात्रवृत्ति के आधार पर हुआ था। अब इस स्थिति में जब उनकी छात्रवृत्ति नहीं आ रही है, तो कौन सी स्थिति में वो बेचारे बच्चे अपनी फीस भरें कॉलेज की? और कॉलेज नियम अनुसार छात्र के अधिकार के तहत वो 4 सालों का एक भी फीस देने के लिए बाध्य। अगर बीच में छात्रवृत्ति रोकी जाती है सरकार के द्वारा या किसी अन्य कारणों से, तो उसका अधिकार वो छात्रवृत्ति पाने का। नए सत्र से ही कोई नियम लागू होता है, पुराने जो सत्र में छात्र लोगों के एग्जाम का समय आ गया और ये फॉर्म भरकर आगे अपने एग्जाम में बैठ सकते। तो ये कुछ मांगे हैं, इन मांगों को लेकर अभी 7 दिन का अल्टीमेटम दिया हुआ है। इन मांगों को लेकर आई समस्त छात्र आए हुए हैं। अकेली नर्सिंग छात्रों की नहीं है, इंजीनियरिंग और अपना केंद्रीय विश्वविद्यालय हर जगह यही स्थिति है। पिछड़ा वर्ग के जो छात्र हैं छात्राएं उनकी स्कॉलरशिप नहीं आई और सरकारी कॉलेज तो नहीं एग्जाम देने नहीं सर, जब तक छात्रवृत्ति नहीं आ रही तब तक सर कलेक्टर के अपने ऑफिस से एक आदेश निकल कर चला अभी जैसे नहीं बनता है तो स्कॉलरशिप नहीं आ रही तब तक सेमेस्टरों के एग्जाम देने के लिए एग्जाम में अपीयर होने के लिए इनको परमिशन दी जाए। सर उनका साल बर्बाद हो जाएगा, सेमेस्टर फेल हो जाएगा। अभी कौन कौन सी हम लोग नर्सिंग कॉलेज के छात्र हैं और हमारी जो स्कॉलरशिप है छात्रवृत्ति है वो पिछले 8 महीनों से नहीं आ रही है, तो और हमारी कॉलेज का एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो कॉलेज वाले हम लोग पे ये प्रेशर बना रहे हैं कि आप अपनी फ़ीस जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिए। और जो हम लोग की फ़ीस है वो आधा हम लोग का घर से जाता है और आधा छात्रवृत्ति होता है, तो जो हमारे घर का पोर्शन है वो तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन जो हमारी छात्रवृत्ति है वो आई नहीं है। और वो बोल रहे हैं कि जब तक फ़ीस कम्प्लीट नहीं होगी आप अपीयर नहीं होंगे, और ये हम लोग के भविष्य का सवाल है। ये हम लोग का लास्ट ईयर है, अगर हमें ये ईयर में एग्ज़ाम देने नहीं मिला तो सारा फ्यूचर ही बर्बाद है हम लोग का। इसलिए हम लोग बस यही आवेदन देने आए हैं कि हमारी जो छात्रवृत्ति है पिछड़ा वर्ग की, जो भी छात्रों की छात्रवृत्ति आपने अभी तक नहीं दी है वो जल्दी से जल्दी दें, ताकि हमारा जो एग्ज़ाम है हम वो दे सकें और आगे काम करें। आज ज्ञापन सौंपा है तो आश्वासन क्या मिला है आपको? आश्वासन उन्होंने यही दिया है कि हम उस पर काम करेंगे, उसमें देखेंगे और जल्दी से जल्दी आप लोग की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे आप? सर अगर हम लोग अब कलेक्टर महोदय जी को आवेदन तो दिया है और अगर यहाँ नहीं हुआ तो फिर
छात्रवृत्ति है वो जल्दी से जल्दी पूरा करें। कितने छात्र हैं जो अभी इससे वंचित रह गए? जी बहुत सारे छात्र हैं सर, फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर लेके सारे छात्र हैं, पिछड़ा वर्ग के छात्र हैं जिन्हें अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिली है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अंजलि रजक है और मैं उजस्वी नर्सिंग कॉलेज की फोर्थ ईयर फाइनल ईयर की छात्रा हूँ।